परम पूज्य जगतगुरु साकेतवासी स्वामी श्यामदेव आचार्य जी महाराज की द्वितीय पुण्यतिथि पर आज संस्कारदानी जबलपुर स्थित नरसिंह मंदिर में, जहां महाराज जी की मूर्ति का श्री विग्रह अनावरण और श्री राम कथा का आयोजन आज प्रमुख स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय मोहन भागवत जी आज यहां पर पधार रहे हैं जबलपुर संस्कारदानी में। भक्ति प्रवाह यूट्यूब चैनल बाय अमृत कुंज के सौजन्य से हम लाइव दर्शन करवा रहे हैं आज के आयोजन का। सभी भक्तों की यहां पर अपने गुरु के प्रति पुण्य लाभ अर्जित करने आए हैं, अपनी श्रद्धांजलि भवांजलि अर्पित करने आए हैं। हम भक्ति प्रवाह यूट्यूब चैनल के सौजन्य से की परिवार की तरफ से स्वामी श्यामदेव आचार्य जी महाराज के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं। जय गुरुदेव। चालक जी का आगमन हो चुका है, आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर के स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, हमारे आचार्य भी सस्ते वाचन के द्वारा स्वागत करेंगे। हमारे देश के सभी सम्माननीय पूजनीय संत महानुभाव इस मंच पर विराजमान है, आप सबके चरणों में निवेदन करता हूं। बड़े गौरव और हर्ष की बात है कि हमारे बीच में पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी के करकमलों से पूज गुरुदेव भगवान के पावन लोक विग्रह का अभी आप अनावरण किया गया है। आप हम सबके बीच में पधारे, संस्कारधानी वासियों की ओर से, सनातन धर्म महासभा की ओर से, नरसिंह मंदिर गीता धाम परिवार की ओर से, और ये जो संत समाज यहाँ विराजमान है सबकी ओर से आपका हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। और आपसे निवेदन करते हैं कि आज के
इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ माननीय सरसंघ चालक जी, पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी, पूज्य निर्मल स्वामी श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी संतों के पास हम मार्गदर्शन पाने के लिए जाते हैं, संदेश लेने के लिए जाते हैं, और ऐसे ही जाना चाहिए। उल्टा करना यह दुष्टता है। लेकिन संत वो तो आत्मीयता ही जानते हैं, प्रेम ही जानते हैं, सबको वैसे ही देखते हैं। और इसलिए महाराज जी ने कहा, तो मैं उसका अर्थ इतना ही कहता हूं कि मैं आपके सामने कुछ बोलूं, क्या बोलना ये मुझे भी पता नहीं है। लेकिन महाराज जी ने जो प्रस्तावना रखी ये पक्का हो गया है, और वही मैं आपके सामने रखता हूं। अपना भारतवर्ष, अपना समाज, अपनी संस्कृति, ये विश्व कल्याण का साधन है, मानव कल्याण का साधन है। उसकी निर्मिति इसी के लिए हुई। दुनिया में अनेक देश है, पहले थे, मिट गए, नए आए, वो चल रहे हैं। ये देशों का मिटना बनना इसका क्रम चला है, इसलिए अनेक देश आज भी है। लेकिन एक भारतवर्ष है जो इनके सबके पहले भी था, आज भी है, और बाद में भी रहेगा। अंतकरण, दया भरा अंतकरण होता है, उसी का प्रताप है। मैं तो उसको प्रसाद मानता हूं, और मैं बहुत विनम्र होकर इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त क्या करना मन में तो रखूंगा ही, परंतु बोलने को भी कहा, वो तो मेरा बिल्कुल अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। मैंने अभी जितना बोला है, आप इसके पहले स्वामी जी ने जो बोला है उसमें उसके सूत्र ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाए, उसी पर से मैं बोल रहा हूं। लेकिन कोई बोले, बात तो ये सत्य है, सनातन धर्म ही अपना हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति है। उसका उत्थान हो ये भगवान की इच्छा है, और इसलिए भारतवर्ष का उत्थान अवश्यम भावी है। पहली बार स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाकी मैं नहीं जानता, लेकिन एक दृश्य मैं आंखों से स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि अपनी यह भारत माता अपने दिव्य रूप में विश्व गुरुपद के सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने दोनों करों से सारे विश्व को सुख शांति अभयदान दे रही है। का हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का उत्थान अवश्यम भाग तब भी किंतु परंतु था, लेकिन आज तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज हम ही क्या सारी दुनिया कह रही है कि भारत आने वाले दिनों की महाशक्ति है। लेकिन थोड़ा हमको ध्यान में रखना चाहिए, शक्ति तो आवश्यक होती है, बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता। शिव को भी शक्ति चाहिए, शक्ति का इकार चला गया तो वो शव हो जाते हैं, वो काली माता के नीचे आ जाते हैं, उनके पदस्पर्श से वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो शक्ति तो आवश्यक है, लेकिन दुनिया में हमारी शक्ति क्या करेगी? दूसरों को पीड़ित नहीं करेगी, वो दुर्बलों की रक्षा करेगी, सबको धर्म देगी, सबको मतांतरित नहीं करेगी, सबको कहेगी कि ये चार तत्व है धर्म के, सत्य ये है,
कि हम सब एक दूसरे के हैं, हम सृष्टि के साथ एकात्मा है, एक का विकास दूसरे का विकास होता है, एक का विनाश सबका विनाश होता है, और इसलिए अपने विकास से सबका विकास हो ये देखकर अपना विकास करो, वर्क नहीं करेंगे। और इसलिए महाशक्ति ये शब्द उस अर्थ में योग्य नहीं लगता। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो हमको बनना है, और बनना है इसलिए भौतिक वैभव की उपासना के लिए पुरुषार्थ अर्थ काम के साथ साथ मोक्ष की ओर अडिग दृष्टि रखते हुए संतों का अनुसरण, संतों के उपदेशों को ग्रहण करते हुए हम सब लोग धर्म के मार्ग पर चले इसकी आवश्यकता रहेगी। उसका स्मरण श्यामदेवाचार्य जी महाराज की जैसी विभूतियां हमको करा देती है, उसी के लिए जन्म ग्रहण करती है, वही करते हुए अपना आवश्यक कार्य पूर्ण करके और पार्थिव रूप से चली जाती है, सूक्ष्म रूप से सदैव विद्यमान रहकर पूर्ण होते तक अपना कार्य करती रहती है। ये संबल हमारे साथ है, उसको पक्का पकड़कर हम चले, इतना एक अनुरोध मैं करता हूँ। संत चरणों में विनंती करता हूँ कि बोलने में कुछ इधर उधर हुआ होगा तो क्षमा कीजिए, कृतज्ञता पूर्वक उनका फिर एक बार वंदन करता हूँ और मेरी चार शब्द समाप्त। जैसे कि हमने बताया, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर स्वामी श्यामदेवाचार्य जी महाराज का आज पुण्य स्मरण, और श्री नरसिंह मंदिर जबलपुर में अभी इस समय हमारे साथ श्री सनातन धर्म महासभा जबलपुर के महामंत्री श्री शरद काबरा जी है। आदरणीय मैं आपका भक्ति प्रवाह यूट्यूब चैनल बाय अमृत कुंज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ महाराज जी के, उसमें आप थोड़ा अपना सभी को सादर नमन, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सब देख रहे हैं आज जबलपुर में नरसिंह मंदिर प्रांगण में बड़े ही हर्ष उत्साह का माहौल है। हमारे पूज्य जगत गुरु डॉक्टर स्वामी श्यामदेवाचार्य जी महाराज, जो कोरोना काल में हम सबसे दूर चले गए थे, आज उनकी तृतीय पुण्य स्मरण पर नरसिंह मंदिर प्रांगण में उनकी पूर्ति का अनावरण पूज्य मोहन भागवत जी द्वारा किया गया। सभी संतों का, देश विदेश के सैकड़ों हजारों संतों का यहाँ पर उपस्थिति हुई है। ऐसा लग रहा है कि जबलपुर नरसिंह मंदिर प्रांगण में कुंभ का माहौल हो गया है। बड़े बड़े कुंभों में भी एक साथ इतने संतों के दर्शन नहीं होते जैसे हमें यहाँ पर नरसिंह मंदिर प्रांगण में संतों के दर्शन और आशीर्वचन प्राप्त होते हैं। आप सबको महाराज जी के द्वितीय पुण्य स्मरण पर बहुत बहुत साधुवाद, जो आप सब यहाँ पर आकर संतों के प्रवचन का लाभ लिए हैं। धन्यवाद। जय श्री पूज्य जगत गुरु स्वामी श्यामदेवाचार्य जी महाराज, जबलपुर संस्कारदानी तपोभूमि और मां नर्मदा तट पर महापुरुष, हम संस्कारदानी जबलपुर के सभी भक्तजनों से और सभी देशवासियों की तरफ से भक्ति प्रवाह यूट्यूब चैनल परिवार, श्री नरसिंह मंदिर गीता धाम परिवार और श्री सनातन धर्म महासभा जबलपुर की तरफ से गुरु चरणों में वंदन नमन करते हैं। गुरु जी का सभी पर यही आशीर्वाद बना रहे। जय गुरुदेव।